देखिए बजट रेंज के एसी में बहुत सारा मारपीट है। वो लोग चाइना से कंप्रेसर लेके आते हैं, कंडेंसर यूनिट लेके आते हैं, एंड आपको इन्वर्टर एसी लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए। माइडिया का जो एसी का मॉडल है उसी का हूबहू सेम मॉडल आपको करियर में भी देखने को मिलेगा, क्योंकि इंडिया में इतना बड़ा सेटअप उन लोगों ने ऑलरेडी कर लिया है। आई एम श्योर वो लोग आगे सर्विस भी बहुत अच्छा देगा। एंड वोल्टेज फ्लक्चुएशंस बहुत ही एक सेंसिबल चीज़ है। अगर आपके एरिया में वोल्टेज फ्लक्चुएशन ज़्यादा है तो डेफिनेटली पीसीबी वारंटी भी 5 साल का ही हो जाएगा। बट यहाँ पे एक कैच है, एक मीडियम ब्रांड्स में बहुत ही अच्छा एक ब्रांड आता है अभी इंडिया में दोबारा मार्केटिंग स्टार्ट करने के लिए, कंप्रेहेंसिव वारंटी 5 ईयर्स का दे रहा है, नॉट अ मैटर ऑफ जोक। पहले जिन लोगों ने खरीदा था वो लोग आज भी इन्वर्टर एसी को गाली देंगे। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर चैनल। आज का वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे बजट रेंज के एसी को लेके। देखिए बजट रेंज के एसी में बहुत सारे मारपीट है, एंड मारपीट मतलब बहुत सारे ब्रांड्स आ गए हैं एंड एक दूसरे को नोच के खाने वाला ऐसा कंपटीशन उन लोगों के अंदर है। बट उसमें से हम लोग कुछ ही ब्रांड्स को लेके आज डिस्कस करेंगे। एंड लास्ट वीडियो अगर आपने देखी नहीं देखा है जो मैंने बनाया था, पैनासोनिक, LG, सैमसंग, IFB, वोल्टास वर्सेस डाइकिन का, उसका लिंक आपको यहाँ मिलेगा। एंड अगर आप एसी लेना चाहते हैं एंड आपको डाउट है कि आप ब्रांड तो सिलेक्ट कर लिए हैं बट आपको 3 स्टार लेना है या 5 स्टार, तो उसका डाउट क्लियर करने के लिए भी आपको वीडियो का लिंक यहाँ मिल जाएगा, 3 स्टार लेना है या 5 स्टार। तो आज का वीडियो को शुरू करते हैं। आज का वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे गोदरेज को लेके, लॉयड को लेके, करियर को लेके, हिटाची को लेके, क्रोमा को लेके, वोल्टास को लेके, कोरियोना का एक ब्रांड आता है उसको लेके, अमेजोन बेसिक्स का एक ब्रांड आता है उसको लेके, फ्लिपकार्ट का मार्क्यू आता है उसको लेके। देखिए पहले तो मैं आपको दो चीज़ें बता देता हूँ। देखिए अमेजोन बेसिक्स एंड मार्क्यू आपको पता है वो लोग एसी नहीं बनाते हैं, उन लोगों का कुछ खुद का कोई भी R&D सेंटर नहीं है। वो लोग चाइना से कंप्रेसर लेके आते हैं, कंडेंसर यूनिट लेके आते हैं, इंडिया में असेंबल कर लेते हैं और हमें बेच देते हैं, इसीलिए उन लोगों का प्राइस बहुत ही कम आता है। बट आई विल डेफिनेटली नॉट रेकमेंड, अगर आपका रूम एकदम टॉप फ्लोर में है, अगर विंडो से बहुत ज़्यादा धूप आता है, तो प्लीज़ प्लीज़ डोंट इवन थिंक ऑफ बाइंग दोज अमेजोन बेसिक्स एंड मार्क्यू ब्रांड्स। दोज आर रियली रियली लाइक शिटी थिंग्स, बिकॉज पार्डन माई लैंग्वेज बट बहुत ही घटिया क्वालिटी है, एकदम कूलिंग एफिशिएंसी नहीं है, अब बेकार आपका इलेक्ट्रिसिटी बिल को पे करते रहेंगे। एक मीडियम ब्रांड्स में बहुत ही अच्छा एक ब्रांड आता है, वो आज के डेट में आपको कितना अवेलेबल मिलेगा मुझे नहीं पता, मैंने पर्सनली उसको यूज़ किया है, दैट इज़ माइडिया। मेरा दूसरा घर में एक रूम में मैंने लगाया है माइडिया का, वो 3 स्टार वाला एसी है, बिकॉज उस रूम में साल में कुछ ही दिन एसी को हम लोग इस्तेमाल करते हैं, उसी लिए 3 स्टार लगाया है। एंड माइडिया का बहुत ही अच्छा कूलिंग रेस्पॉन्स है। और आपको अगर पता है कुछ साल पहले अराउंड 2017 या 2018 इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, माइडिया एंड करियर दोनों ने कोलैब कर लिया था इंडिया में मार्केटिंग करने के लिए। तो माइडिया का जो एसी का मॉडल है उसी का हूबहू सेम मॉडल आपको करियर में भी देखने को मिलेगा, बिकॉज देखिए माइडिया एक चाइनीज ब्रांड है एंड उसका खुद का सेमीकंडक्टर प्रोडक्शन है। तो करियर को ये फ़ायदा मिला कि चाइना से डायरेक्ट वो चिप्स जो है, सेमीकंडक्टर जो है, वो डायरेक्ट इंपोर्ट कर रहे हैं, एंड पहले जो करियर को दूसरे ब्रांड को देके बनाना पड़ता था, अब माइडिया से खुद ही सोर्स कर लेते हैं। एंड करियर का जो कूलिंग को लेके R&D है वो माइडिया से शेयर कर रहा है, सो इट्स अ वेरी गुड डील। माइडिया का हार्डवेयर सपोर्ट उन लोगों को मिल रहा है माइडिया करियर को, और करियर का R&D का सपोर्ट माइडिया को मिल रहा है कूलिंग को लेके। माइडिया देखिए कमर्शियल में बहुत अच्छा ब्रांड है, बड़े बड़े अगर आप मॉल्स में जाएंगे तो सेंट्रल डक्टिंग एसी माइडिया का बहुत अच्छा चलता है, कसेट एसी भी माइडिया का बहुत अच्छा चलता है। माइडिया ब्रांड इज़ अ बिग ब्रांड इन चाइना, एंड करियर के साथ वो लोग टाई अप करके ब्रांड्स को एक अलग ही लेवल पे लेके गया है। माइडिया इज़ द बेस्ट ब्रांड मीडियम रेंज में मेरे हिसाब से, बट माइडिया आज के डेट में शायद फ्लिपकार्ट में आपको उतना अवेलेबल इजीली नहीं मिलेगा, आप अमेजोन में भी देख सकते हैं। आई हाईली रिकमेंड माइडिया एसी इन द मिड रेंज, बिकॉज आपको पूरा का पूरा हार्डवेयर जो है वो करियर का मिलेगा, और
करियर का एसी आपको पता है, इनफैक्ट करियर इज द इन्वेंटर ऑफ दिस एयर कंडीशनिंग टेक्नोलॉजी। मतलब करियर इज द फर्स्ट ब्रांड जिन्होंने इस पूरा एयर कंडीशनिंग चीज़ को ही मतलब इन्वेंट किया था, एंड थैंक गॉड फॉर दैट, गॉड ब्लेस करियर। बिक�ज आज सोचिए इस 40-45 डिग्रीज में बिना एसी का हम लोग क्या ही करते थे। तो थैंक्स टू करियर, बट कंपटीशन रियली कॉट अप वेरी फास्ट एंड जैपनीज ब्रांड्स ने इमीडिएटली उनका टेक्नोलॉजी से इंस्पायर्ड होके वो लोग भी अपना खुद का एसी लेकर आए हैं एंड आरएनडी में बहुत आगे भी चले गए हैं। हालांकि करियर एसी डेवलप मतलब इन्वेंट तो किया था, बट जैपनीज ब्रांड्स अब कुछ और ज़्यादा ही आगे चल गया है। तो ये जैपनीज ब्रांड्स को लेके एक डेडिकेटेड अगर आपको वीडियो देखना है तो मैं डेफिनेटली बनाऊंगा, उसमें हर एक जैपनीज ब्रांड्स को कवर करूंगा। बट उसके लिए आपको नीचे कमेंट सेक्शन में मेंशन करना पड़ेगा, आप लोगों को चाहिए तो मैं बना दूंगा, बिकॉज वीडियो बनाने में आप लोगों के लिए मुझे बहुत अच्छा लगता है। ये चैनल देखिए स्पॉन्सर्ड तो नहीं है, मैं शौक से बनाता हूँ और एज अ यूज़र पर्सनल यूज़ करके आप लोगों को फीडबैक शेयर करो, एंड आई रियली होप कि आप लोगों को ये वीडियो हेल्पफुल लगे। तो मीडियम रेंज में माइडिया वॉज अ वेरी गुड ऑप्शन, मतलब इज अ वेरी गुड ऑप्शन, बट ईजिली अवेलेबल आप कितना मिलता है वो आपके लक के ऊपर है, आता है या सोल्ड आउट हो जाता है, ऐसा हो सकता है। मैंने कुछ रिसेंटली चेक किया था माइडिया कैसे उतना, एक तो देखिए अब्रप्ट प्राइसिंग दिखाता था, तो मतलब कोई दूसरा ही सेलर उसको लेके कुछ कर रहा है, तो करेक्ट प्राइस में आपको ऑनलाइन में अभी शायद माइडिया कैसे नहीं मिलेगा, आप ऑफलाइन में एक बार खोज कर सकते हैं। तो माइडिया ऐसी इज़ रियली रियली हाईली रेकमेंड, टॉप मतलब एकदम टॉप रिकमेंडेशन में मेरा जाता है मीडियम रेंज में। गोदरेज का ऐसी अच्छा है, गोदरेज एज अ ब्रांड इज़ अ वेरी वेल रेप्यूटेड ब्रांड, सालों साल प्रॉफिट में चल रहा है, इट्स अ लिस्टेड कंपनी, इंडिया का शान है आप कह सकते हैं। एंड गोदरेज लॉक्स, मतलब हम तो सोच ही नहीं सकते हमारा घर गोदरेज के बिना कोई लॉक लगाए, मतलब इट्स अ सेंस ऑफ सिक्योरिटी राइट। तो गोदरेज का इलेक्ट्रॉनिक्स डिवीजन में हम वो सेम सेंस ऑफ सिक्योरिटी नहीं बोल सकते बिकॉज दे आर नॉट दैट गुड, बट येस दे आर डूइंग क्वाइट वेल। गोदरेज मेरे ख्याल से रेफ्रिजरेशन में ज़्यादा अच्छा है, मतलब अगर आप गोदरेज का फ्रिज खरीदते हैं तो इट इज़ मच बेटर इंस्टेड ऑफ एसी। एसी में उतना सक्सेस उन लोगों को नहीं मिला बिकॉज उन लोगों का खुद का आरएनडी एसी में नहीं है, बिकॉज एसी में बहुत आगे निकल चुका है कंपटीशन। अच्छा, गोदरेज को छोड़ के अगर आप कुछ दूसरा ब्रांड के बारे में बात करें, लॉयड इज़ डेफिनेटली अ नो नो। लॉयड इतना ख़राब ब्रांड है कि वो खुद का ब्रांड को बेचकर चला गया है इंडिया से, एंड ख़रीदने वाला हैवल्स है। हैवल्स ने सोचा था कि लॉयड कंपनी के ऊपर जब हैवल्स का लोगो लग जाएगा, हैवल्स का रेपुटेशन लॉयड को आगे लेके जाएगा, बट वैसा हुआ नहीं है। लॉयड इज़ अ रियली रियली मतलब वर्स्ट ब्रांड, इज़ अ रियली बैड ब्रांड आप कह सकते हो। आई डोंट लाइक लॉयड प्रोडक्ट्स एनी वे, वो चाहे आप टीवी कहो या एसी कहो, कुछ भी कहो, लॉयड का मुझे नहीं चाहिए। अच्छा, अगेन अनादर मिड रेंज प्रोडक्ट इज़ हायर। हायर का आप देख सकते हो, हायर इज़ नॉट दैट बैड, बट डिपेंड करता है अगर आप हायर के साथ कोई दूसरा ब्रांड का एसी का प्राइस डिफरेंस अगर 1-2 हज़ार का देख रहे हो, तब आपको हायर नहीं लेना चाहिए। आपको अगर हायर एसी 7-8 हज़ार रुपया का डिफरेंस में मिल रहा है करियर से, तब आप हायर ले सकते हो। हायर का एसी अच्छा है, हायर का फ्रिजेस भी अच्छा है, हायर का रेफ्रिजरेशन अच्छा है, आई कैन डेफिनेटली वाउच फॉर दैट। तो हायर का आप ले सकते हो, हायर इज़ अ गुड ब्रांड, बट डेफिनेटली लॉयड इज़ अ नो नो, कम्प्लीट नो नो फॉर मी। एंड करियर ऑफकोर्स इज़ अ गुड ब्रांड। इंडिया का कुछ और ब्रांड्स भी अभी नया आया है, क्रोमा आप देख सकते हो कि क्रोमा का जो टाटा का रिटेल चेन है, उन लोगों का खुद का एक ब्रांड लॉन्च किया है एसी में क्रोमा का, एंड क्रोमा ने इंडिया में बहुत बड़ा एक फैक्ट्री सेटअप किया है, असेंबली यूनिट, वो मैं आप लोगों को अभी दिखाता हूँ। देखिए क्रोमा का ये फैक्ट्री बहुत ही बड़ा है, एंड यहाँ पे देखिए इंटीरियर मतलब इंडोर यूनिट जो असेंबल हो रहा है, आउटडोर यूनिट यहाँ पे असेंबल हो रहा है, और देखिए कितना बड़ा आरएनडी का सेंटर भी उन लोगों ने बनाया है। हालांकि आरएनडी अभी तक शुरू नहीं हुआ है, बट डेफिनेटली डाउन द लाइन वो लोग आरएनडी शुरू करेगा, एंड डेफिनेटली क्योंकि इंडिया में इतना बड़ा सेटअप उन लोगों ने ऑलरेडी कर लिया है, आई एम श्योर वो लोग आगे सर्विस भी बहुत अच्छा देगा। एंड क्रोमा का जब बात करेंगे, हम वर्लपूल को कैसे भूल सकते हैं, बिकॉज वर्लपूल ऐसा एक बहुत पहले जब मैं छोटा था एक उन लोगों का जिंगल आता था टीवी एड्स में, एंड वर्लपूल इज रियली रियली अ वेल नोन ब्रांड इन रेफ्रिजरेशन। एंड वर्लपूल का एसी भी अच्छा है, आप ले सकते हो। वर्लपूल का कन्वर्टेबल आता है, एक्सपेंडेबल्स आता है,
बट मैं ये सब कह रहा हूँ, ये जो आप देखिए हायर है, वर्लपूल है, गोदरेज है, ये सब जो मिड लेवल ब्रांड्स है, ये सब ब्रांड्स अगर आपको सिर्फ 2-3 हज़ार रुपया कम में मिल रहा है हिताची या करियर से, तब इस ब्रांड्स को खरीदने का कोई मतलब नहीं बनता है। अगर आपको 7-8 हज़ार रुपया का डिफरेंस मिलता है, मतलब अगर आप खरीदने जाओगे एंड आप गोदरेज का और करियर का देख रहे हो एटलीस्ट 7-8 थाउजेंड का डिफरेंस है, तब आप गोदरेज ले सकते हो, तब आप हायर ले सकते हो, तब आप वर्लपूल ले सकते हो। वर्लपूल इज़ अ गुड ब्रांड, मेरे को कोई कंप्लेन नहीं है। बहुत जल्द मैं वर्लपूल का, मैंने एक माइक्रोवेन लिया है, उसका वीडियो मैं बना के शेयर करूंगा हमारे चैनल में। सोलो एंड कन्वेक्शन दोनों का भी कंपैरिजन वीडियो आएगा, तो वो भी आप देख सकते हो। तो वर्लपूल इज़ अ गुड ब्रांड, बट अगर आपको करियर का एसी वर्लपूल से 7-8 हज़ार रुपया मतलब कम में मिल रहा है तभी आप लो, अगर 2-3 हज़ार रुपया का डिफरेंस में आपको मिल रहा है तो मेरे ख्याल से स्ट्रेच योर बजट, गो फॉर करियर। करियर इज़ अ गुड ब्रांड एंड अ वेल रेप्यूटेड ब्रांड, एंड वही सेम करियर का मॉडल अगर आपको माइडिया में मिल रहा है, डेफिनेटली गो फॉर माइडिया। बिकॉज मैं आपको बता रहा हूँ, मैंने जो माइडिया का एसी लिया था उसका जो इंडोर यूनिट है और जो रिमोट है एकदम सेम टू सेम करियर का इंडोर यूनिट और रिमोट यूनिट एकदम मैच करता है, जस्ट द ब्रांडिंग इज़ डिफरेंट, ट्रस्ट मी ऑन दिस। इसको लेके आप रिसर्च भी ऑनलाइन में कर सकते हो, और मैं अगर गलत बोल रहा हूँ नीचे कमेंट सेक्शन में मेंशन कर सकते हो। तो ये हो गया आपका माइडिया का करियर का। एंड हिताची के बात करें, हिताची ऑफ कोर्स इज़ अ जैपनीज ब्रांड एंड बहुत दिनों से इंडिया में हिताची है। हिताची का टीवी बहुत अच्छा है, हिताची का फ्रिजेस बहुत अच्छा है, हिताची का कैसेट एसी अच्छा है, इन मतलब स्प्लिट एसी अच्छा है, हिताची का विंडो एसी भी बहुत चलता है। हिताची का कमर्शियल में तो एक टाइम में वो लोग राज करते थे, मतलब हिताची का कमर्शियल एसी डक्टेबल जो होता है ना उसमें हिताची एक टाइम में राज करते थे। आज के डेट में डाइकिन आ गया है, ओ जनरल आ गया है, मिट्सुबिशी आ गया है, एंड हमारे पास ऑप्शंस बढ़ गए हैं, तो कमर्शियल एसी में हम लोग जनरली उसी ब्रांड्स को प्रेफर करते हैं। हालांकि कमर्शियल में ब्लू स्टार इज़ ऑल्सो डूइंग वेरी गुड, बट आज के वीडियो में ब्लू स्टार को लेकर बात नहीं करेंगे, बिकॉज ब्लू स्टार को लेकर हमने ऑलरेडी बात किया है इस वीडियो में, जहाँ पे मैं लिंक शेयर कर रहा हूँ, और हर एक वीडियो का नीचे भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक्स मिल जाएंगे। तो हिताची इज़ ऑल्सो अ वेरी गुड ब्रांड, एंड मिड रेंज में मैंने आपको बताया है, अगर एक नंबर ब्रांड्स हो मतलब मिड रेंज में मेरा रिकमेंडेशन रहेगा वो रहेगा माइडिया, उसके बाद करियर, उसके बाद हिताची, उसके बाद आता है हायर, गोदरेज, क्रोमा, ऐसे ऐसे ऐसे। एंड प्लीज़ 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 हाथ जोड़ के विनती करता हूँ, अमेजोन बेसिक्स और मार्क्यू का एसी मत खरीदिएगा। आई हैव नो इंटेंशन टू ऑफेंड एनीवन, जो लोग ऑलरेडी मार्क्यू का एसी यूज़ कर रहे हैं और इस वीडियो को देख रहे हैं, आप लोगों का शायद एक्सपीरियंस अच्छा है, बट मैंने मार्क्यू का एसी खुद खरीद के देखा है और एक महीने के अंदर मैंने ओएलएक्स में बेच भी दिया था। मार्क्यू का एसी इज़ वर्स्ट, मतलब ये सब ब्रांड्स का एसी मत लीजिए। और मार्क्यू वार्क्यू का एसी में आपको कंप्रेसर में भी 5 साल का वारंटी देता है। ये सब जो मैं ब्रांड्स कह रहा हूँ ये सब वेल नोन ब्रांड्स है, आपको पीसीबी में 5 साल का वारंटी डेफिनेटली देख के लेना चाहिए। जब आप इन्वर्टर एसी ले रहे हो मेक श्योर आपका एसी में पीसीबी का वारंटी 5 ईयर्स का हो एंड कंप्रेसर का वारंटी 10 ईयर्स का हो। हालांकि हिताची में कुछ मैं ऑप्शंस अभी देख रहा हूँ, पूरा एंटायर कंप्रिहेंसिव वारंटी हिताची 5 साल का दे रहा है, मतलब इंडोर आउटडोर दोनों ही कवर्ड है। जनरली कंप्रिहेंसिव वारंटी हर ब्रांड्स का 1 साल का होता है, बट हिताची अभी इंडिया में दोबारा मार्केटिंग स्टार्ट करने के लिए कंप्रिहेंसिव वारंटी 5 ईयर्स का दे रहा है, नॉट अ मैटर ऑफ जोक। बट उसमें आपको कंप्रेसर में 10 ईयर्स वारंटी मिल रहा है कि नहीं वो देख लीजिएगा, पीसीबी में आपको 5 ईयर्स तो ऑफकोर्स मिलेगा, बिकॉज कंप्रिहेंसिव वारंटी अगर 5 साल का है तो डेफिनेटली पीसीबी वारंटी भी 5 साल का ही हो जाएगा। बट यहाँ पे एक कैच है, जनरली जो ब्रांड्स मेंशन करते हैं पीसीबी वारंटी 5 साल का है वो लोग मेनली मेंशन करते हैं आउटडोर पीसीबी का, इंडोर पीसीबी कभी भी कवर्ड नहीं होता है। इंडोर पीसीबी अगर ख़राब होता है उसमें सिर्फ 1 साल का ही वारंटी रहता है, एंड ये जो हिताची ने कम्प्रिहेंसिव 5 ईयर्स का वारंटी रखा है इसमें इंडोर आउटडोर दोनों ही पीसीबी का कवरेज आपको 5 ईयर्स का मिल जाएगा। कंप्रेसर का आप देख लीजिए कि कौन सा मॉडल आप ले रहे हैं एंड उस मॉडल में आपको कौन सा मतलब कितने साल का वारंटी मिल रहा है। हर एक एसी का बेस्ट प्राइस का लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, यू कैन डेफिनेटली गो चेक द लिंक्स। एंड अमेजोन में अगर आप चेक करेंगे तो जितना भी ब्रांड्स मैंने मेंशन किए हैं, ये गोदरेज हो, लॉयड हो, हायर हो, क्रोमा हो, ये सब ब्रांड्स का 3.5 से लेके 3.8 स्टार तक ही कस्टमर रेटिंग्स है,
तो इसमें से आप कुछ भी ले लो, आपको सिमिलर एक्सपीरियंस ही मिलने वाला है। ये सभी ब्रांड्स में कोई आपको हायर मतलब कोई हाई कस्टमर रेटिंग्स इसमें देखने को नहीं मिलेगा, तो आपका एक्सपेक्टेशन उस हिसाब से ही रखिए। हिताची डेफिनेटली मैं रेकमेंड करूँगा, अगर आपका थोड़ा सा बजट ज़्यादा है तो आप हिताची ले सकते हो, बिकॉज 5 ईयर्स कम्प्रिहेंसिव वारंटी बहुत ज़्यादा होता है। एंड आपको इन्वर्टर एसी लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए वो डिपेंड करता है आपका एरिया के ऊपर। अगर आपके एरिया में इन्वर्टर एसी लगाना है एंड आपके एरिया में वोल्टेज फ्लक्चुएशन ज़्यादा होता है तो प्लीज़ इन्वर्टर एसी मत लगाइएगा। एंड अगर आप इन्वर्टर एसी लगा रहे हैं तो मेक श्योर आप कोई अच्छा कंपनी का स्टेबिलाइज़र लगाइए। ऑनलाइन में आपको 1,000 रुपये का स्टेबिलाइज़र मिल जाएगा, बट वो सब बेकार है। आप वोल्टास का स्टेबिलाइज़र लगा सकते हैं, वो अच्छा है, मैं खुद यूज़ कर रहा हूँ मेरा रेफ्रिजरेटर के साथ, दैट इज़ अ गुड। एंड शेन पंडित का भी एक आता है, वो भी आप देख सकते हो, उसका लिंक्स भी मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा। वोल्टेज फ्लक्चुएशंस बहुत ही एक सेंसिबल चीज़ है, अगर आपके एरिया में वोल्टेज फ्लक्चुएशंस ज़्यादा है यू ट्राई टू बाय नॉन इन्वर्टर एसी, उसमें आपका बिल ज़्यादा आएगा बट आपको थोड़ा सा पीस ऑफ माइंड ज़्यादा मिलेगा। बट अगर आप अच्छा एक स्टेबिलाइज़र लगा लेते हो तब आप इन्वर्टर एसी ले सकते हो। मैं तो हमेशा इन्वर्टर एसी ही रेकमेंड करूँगा, बिकॉज नॉन इन्वर्टर एसी 2015-16 में इन्वर्टर एसी से ज़्यादा रिलायबल था, बिकॉज तब इन्वर्टर एसी का जो पीसीबी था वो एकदम ही नया नया आया था। एंड कंपनी देखिए जो पहला लॉन्च करता है उसमें बहुत सारे फॉल्ट्स आते हैं। अब देखिए 10 साल हो गया है इन्वर्टर एसी लॉन्च हो गया है, एंड अभी इन्वर्टर एसी का टेक्नोलॉजी बहुत डेवलप हो गया है, एंड अभी पहले जैसा रिलायबिलिटी इश्यूज नहीं रहा है। पहले जिन लोगों ने ख़रीदा था वो लोग आज भी इन्वर्टर एसी को गाली देंगे। अगर आपने 2014-15-16 में इन्वर्टर एसी ख़रीदा था वो लोग शायद आज के डेट में भी इन्वर्टर एसी को गाली देंगे, बट अगर आप 2020-21 में इन्वर्टर एसी खरीदेंगे मतलब ख़रीदा हुआ है तो मेरे ख्याल से आपको कोई कंप्लेन नहीं है। तो आज का वीडियो में होपफुली आप लोगों का प्रॉब्लम मैं सॉल्व कर पाया हूँ बजट रेंज का एसी को लेके। एंड आपको अगर 3 स्टार 5 स्टार का डाउट है आप ये वाला वीडियो चेक कर सकते हो। एंड अगर आपको डाइकिन का रिलायबिलिटी इशू एंड 5 स्टार मेरा 6 मंथ्स का यूज़र एक्सपीरियंस देखना है तो ये वाला वीडियो देख सकते हो, दोनों वीडियोस का लिंक मैं छोड़ रहा हूँ। मिलते हैं अगले वीडियो में, एंड हर एसी का नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक्स मिल जाएगा, उससे क्लिक करके आप चैनल को सपोर्ट कर सकते हो। मिलते हैं अगले वीडियो में, टिल देन पीस आउट।